हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजो स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। क्लास 8 की मैथ्स की एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमारा चौथा क्वेश्चन है। अगर आपको सारी की सारी बुक्स और ये जो सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल फ्री में चाहिए, तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है। साथ में हमारे जो आपके मैथ्स की जो क्लासेस हैं इनकी लिंक भी डली हुई है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। मतलब हमें बताना है कि ये जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं, इसमें से ऐसा क्या घटाया जाए कि ये जो नंबर है पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। मतलब ये जो नंबर दिए गए हैं ये हमारे पूर्ण वर्ग नंबर नहीं है, तो हमें इनको क्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। अब पूर्ण वर्ग संख्या जब बन जाएगी तो उसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना होगा। क्या कर निकालना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको पिछली क्लासेस में वर्गमूल निकालना सिखाया हुआ है, ठीक है। बहुत ही आसान होता है, बिल्कुल टफ नहीं होता है, पर बच्चे इसे बहुत ही ज्यादा टफ समझते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो ऐसा नहीं है कि आपको टफ लग रहा हो, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, 402। हमने आपको क्या बताया था, हम इसमें लास्ट से जोड़े बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। अब चार हमें लाना है, जैसे कि हम क्या करते हैं, चार हमारा कब आएगा, दो। अब हमें वर्ग के फॉर्म में ही देखना है, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके 16, इस तरीके से ही देखना है। तो 3 3 9 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 करेंगे। कितनी बार मिलेगा है? 2 बार मिलेगा। इधर वाली संख्याएं हमारी जोड़ी जाती है, इधर वाली संख्याएं घटाई जाती है, तो ये तो हमारा 0 बचा। अब हम जब, और ये हमारा जुड़ के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पूरा जोड़ा उतारते हैं। जोड़ा उतारेंगे मतलब हमारा पूरा का पूरा 2 उतर आएगा। अब हम इसको कितनी बार मिले जा सकते हैं, हमारे पास तो 0 है, हमारे पास 2 है, वो कितनी बार मिले जाएंगे। अब हमें यहाँ पे एक अंक लिखना है और नीचे भी अंक लिखना है, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 बार में ही इसको ले जाते हैं। कितनी बार में ले जाते हैं, 0 बार में ले जाते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। शेष जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। शेष क्या आया है, 2 आया है, ठीक है। तो कुछ लाइंस जो है वो हमको यहाँ पे लिखनी होगी हर क्वेश्चन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यदि हम 402 में से शेष क्या आया है हमारा, 2 को घटा देंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 402 में से हम 2 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब इन्होंने कहा था जो संख्या आई है उसका वर्गमूल बताओ, तो 400 का वर्गमूल जब करते हैं तो हमारा यही आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरीके से पहला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। और पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, अब हम करेंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन, जो कि है 1889, ठीक है। तो हम यहाँ पे उतार लेते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन, जो कि है 1889, 1989, 1889, इसको हम सही कर लेते हैं, 1989, ठीक है। क्या लेना, अब हम इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकाल के देखेंगे। तो अब हम करेंगे अपना सेकेंड वाला पार्ट, जो कि है हमारा 1989, ठीक है। क्या है हमारा, 1989, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जोड़ा बनाना है, तो हम लास्ट से जोड़ा बना लेंगे। अब हमें 19 हमको दिख रहा है, पहले जोड़े में 19 दिख रहा है, तो हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे
स्क्वायर जो 19 से कम हो या 19 के बराबर हो। 19 के बराबर तो हो नहीं सकता, तो हम देखते हैं 4 × 16 होता है, 5 × 25 होता है। 25 ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या लेंगे, 4 × 16 लेंगे। ठीक है, ये तो हमारा घट जाएगा, ये हमारा जुड़ जाएगा, जुड़ के ये 8 आ जाएगा, घट के ये हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 नहीं आएगा भाई, 7 कहाँ, 3 आएगा। ठीक है, अब हम पूरा जोड़ा उतार देंगे, 89 हमारा हो जाएगा पूरा जोड़ा उतारने के लिए। कितनी बार में ले गए थे, 4 बार में ले गए थे। वापस से हमें अभी हमें ऐसे स्क्वायर से गुणा करनी है कि ये हमारा आ जाए। ठीक है, ये इससे कम ही रहे। ठीक है, तो हम अगर 3 से करते हैं, 3 × 8 = 24 काफी कम हो जाएगा। 4 से करते हैं, 4 × 8 = 32। 32 है, कम है, हाँ कम है पर ज्यादा कम नहीं है। अगर 5 से करके देखें, 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 से ही गुणा करेंगे। 4 × 16 एक हासिल, 4 × 32 एक, 33 हो जाएगा। 9 में से 6 गया, 3 बचा। ठीक है, और 8 में से 3 गया, 5 बचा, 53 हमारा शेष आ गया। और हम कितनी बार में ले गए थे, 44 बार में ले गए। ठीक है, अब हमारा शेष जो है वो कितना आया है, 53 आया है। इस तरीके से हम लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यदि हम 1989, ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, 1989 में से शेष हमारा कितना आया है, 53। ठीक है, क्या आया है, 53 को घटा देंगे तो ये एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 1989 जो है इसमें से 53 को कर देंगे माइनस। 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, और हमारा यहाँ पे 1936 आ जाए। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1936। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1936 है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यही निकल के आएगा, 44 ही निकल के आएगा, आ जाएगा। और 44 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, और ये भी हमारा आंसर था। ठीक है, इस तरीके से सेकंड वाला पार्ट भी हमारा हो गया। अब हम अपना करेंगे थर्ड वाला पार्ट, जो कि है 3250। तो हमने सबसे पहले क्या कहा था, पीछे से इस तरीके से जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बन गया। अब हमें पहले वाले जोड़े को स्क्वायर में लाना है। ठीक है, तो 5 × 25 होता है, कम है, 6 × 36 होता है, ज्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार में ले जाएंगे, 5 बार में इसको ले जाएंगे, 5 × 25, 12 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितनी बार में ले गए, इसको हमने घटाया, इसको हमने जोड़ा, जोड़ के हमारा 10 हो गया, और हम 5 बार में ले गए थे। अब हम पूरा जोड़ा उतारेंगे जो कि है 50। अब हम ऐसे नंबर से गुणा करेंगे कि ये हमारा आ जाए, नहीं तो इससे कम ही रहे। 7 से करके देखते हैं, 7 × 7 = 7 और 7 × 7 = 49। तो 7 बार में हमारा ये चला जाएगा, 7 × 7 = 49 और 7 × 7 = 7। एक हमारा कम है, तो एक ये क्या है, हमारा शेष आ गया है। और कितनी बार में ले गए थे, 7 बार में ले गए थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यदि हम 3250 में से क्या घटाएं, शेष, शेष क्या आया है, एक को घटा देंगे, यह पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। मतलब अगर हम 3000, पहले तो हम घटा ही देते हैं, इसमें हमने घटाया था, हाँ घटाया था, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे 3250 में से एक को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3249। अब 3249 जो है, ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो सेम हमारा यही 57 ही आ जाएगा, अलग से निकालने की जरूरत नहीं। तो ये सारे हमारे आंसर हो गए, एक क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है 825। हमने क्या कहा था, लास्ट से हमको जोड़े बनाने हैं, पहले वाले का जोड़ा नहीं बना, कोई बात नहीं, ऐसे नंबर से, ऐसे नंबर के स्क्वायर से हम करेंगे यहाँ पे कि 8 से कम हो जाए, 3 × 9 होता है, 4 और 3 × 9 होता है जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो हम 2 से करेंगे, 2 × 2 = 4 करेंगे। कितनी बार में ले गए, 2 बार में, इसको जोड़ कर लाए हम यहाँ पे 4, और इसको घटा देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 4, 25 उतार देंगे। अब ऐसे नंबर के स्क्वायर से गुणा करनी है कि हमारा इससे कम आ जाए या इतना ही आ जाए। तो 5 से करके देखते हैं, 5 से करेंगे काफी कम हो जाएगा। 8 से करके देखते हैं, 8 × 64 = 32,
नौ से करके देखते हैं, नौ ने में इक्यासी, आठ हासिल, नौ चौक 36, 37, 38, 39, 40, 42, ज्यादा हो जाएगा, सॉरी 8 से ही करेंगे, 8 8 64, 6 हासिल। ठीक है, अब हम 8 को 32, 32 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, 32 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 38। क्या शेष आ जाएगा, 1 12 में से 8 गया 4, ठीक है, हमारा 41 जो है वो शेष आ गया, और यहाँ पे हम 8 बार में ले गए थे, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यदि हम 825 में से शेष क्या आया है 41 को घटाएंगे तो ये पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी, तो 825 में से हम 41 को घटा देते हैं, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे बच गया 7, 784। अब ये 784 जो आया है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 28 ही आएगा, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से ये चौथा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला पार्ट है जो कि है पांचवा। यहाँ पे जो हमको दिया गया है वो दिया गया है 4000, तो लास्ट से जोड़े बनाए, छचरंग 36 होता है, 7 सते 49 होता है, 49 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार में ले जाएंगे, 36 हो जाएगा घटा देंगे 4 बचेगा, 6 बार में ले गए थे पूरा जोड़ा उतार दिया, ये हमारा 12 हो गया। आप कितनी बार में ले जाएंगे, 3 4 बार में ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में ले जाएंगे, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, कितनी बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, तो 31 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि हम 4000 में से 31 को घटाएंगे तो ये पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी, तो हम क्या कर देंगे, 4000 में से 31 को घटा देते हैं, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 6, फिर 9, फिर हमारा 3, 3959 आ जाएगा, 69, 3 6 3 9 6 9। ठीक है, इसका वर्गमूल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 63 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर, 31 हमारा आंसर। इस तरीके से ये पूरा पार्ट जो है वो हमारा लग गया। ठीक है, क्वेश्चन जो है खत्म हो गया है। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में अपने दोस्तों को हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।